दुर्गम पर्वत पर जाकर वहाँ की शुभ मिट्टी से लिंग बनाकर यहाँ लाओ और हम सभी के व्रत को पूर्ण करो। जाओ राधा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टो प्रियतम से जग से कैसा मोह रे जग से देख रहे हैं आप महादेव, जब मनुष्य ईर्ष्या मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तब उसमें अनंत धैर्य जागृत होता है। आप स्वयं देख सकते हैं कैसे राधा इस दुर्गम पर्वत पर रात्रि के अंधकार को चीरते हुए निडर होकर अपने विकार को परास्त कर आगे बढ़ रही है। मेरी राधा, चाहे मनमानी चाहे धरा हो पानी पानी, समय की हो चाहे उल्टी धारा, चाहे नदी ना देव किनारा, ओ प्रेम जो स्वयं में निहित सारी शक्तियों को जागृत कर ये पर्वत चढ़ेगी राधा। अब राधा शिवलिंग बनाकर ही लौटेगी महादेव, और तभी होगा राधा कृष्ण का मिलन। वर्षा में मैं ये शिवलिंग कैसे बना पाऊंगी? वो कान्हा को ऐसा लगता है कि तुम्हें वो ईर्ष्या ने जकड़ रखा है। तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष। आज तक कुछ नहीं समझा, किंतु आज हर बात समझ में आ रही है नारायण। मिट्टी को ही देख लो, आज ये भी मुझे शिक्षा दे रही है कि सृजन शक्ति के बल से नहीं, प्रेम के स्नेह से होता है। जिस प्रकार मैं इस माटी से बल का प्रयोग करके लिंग बनाने का प्रयास कर रही हूं, बार बार ये माटी बिखर रही है। जिस तरह से मैंने बल से कृष्ण को पाने का प्रयास किया, उतना ही मेरा और कृष्ण का संबंध बिखर गया। किंतु अब मैं इस माटी से प्रेम से ये लिंग बनाऊंगी।
और कृष्ण, कृष्ण के सुख के लिए उसे चंद्रावली को सौंप दूंगी। जब ईर्ष्या का अंत होगा, जब ईर्ष्या रहित प्रेम के अश्रु बहेंगे, तभी तो बनेंगे प्रेम के मोती। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी राधा के। महादेव, बहन पार्वती के लिए प्रेम के अनमोल मोती। साक्षात प्रेम की देवी के अश्रुओं से बने ये मोती। जब मेरी पार्वती पहनेगी तो उसके पश्चात मुझे कभी भी अपने प्रेम की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नारायण, और इसी प्रेम की शुद्धता से राधा के हाथों से बनेगा महाशंभु, महादेव का शक्तिलिंग। आज मेरी भी कठिन परीक्षा का अंत हुआ महादेव। अब मेरी राधा ईर्ष्या मुक्त हो चुकी है। किस प्रकार सहायता के नाम पर कान्हा ने अंततः राधा के साथ मिलकर ही शिवलिंग की स्थापना की है। ये संसार के हित के लिए ही है बलराम कि पुरुष प्रकृति, नर नारी, प्रेमी प्रेमिका, जब कोई कार्य साथ मिलकर पूर्ण करते तभी वो सफलता पूर्वक संपन्न माना जाता है।